आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। अफसर कहाँ पढ़ते हो आप? मैं पिलोट आईटीआई पिलोट में पढ़ता हूँ। हलवान आईटीआई में? हलवान आईटीआई। तो जो आपके साथ दो दिन पहले वारदात हुई थी और दो टीचरों ने मिलकर आपको बेरहमी से पीटा था, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि वो मेरी फीस, एक साल की पूरी फीस जमा है और उन्होंने मुझे फीस के लिए कहा और मैंने मतलब बोर्ड फीस होती है ना जो, उससे मतलब ज़्यादा पैसे मांगने के लिए कहा और मैंने उससे इनकार कर दिया, इसलिए मुझे वो पीटने लगे और गाड़ी क्लोज करने लगे और कहने लगे तुम्हारा करियर मेरे हाथ में है, तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा मैं। और जो ये अलवान है ना, जो जिसकी आईटीआई है, जिसका मालिक है, उन्होंने कहा कि मैं होता ना यहाँ तो इससे भी बड़ा लफड़ा होता है यहाँ। अच्छा, ये बात किसने बोली? ये जो अलवान जो मालिक है ना कॉलेज का, उसने कही है। अच्छा, और इसके अलावा आपने जो एडमिशन हुआ था उस वक्त कितने रुपए में बात हुई थी और कितने रुपए आपने जमा करवा दिए? जी, मेरी उस वक्त 30,000 रुपये में बात हुई थी और मैंने एक साल के 15,000 रुपये जमा करवा दिए। अच्छा, अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं? अब वो डिमांड, मेरा फार्म नहीं भर रहे और कल मैं गया था कॉलेज में तो मेरे से ऊपर मेरे को क्लास से निकाल दिया और वहाँ ऊपर बैठा दिया और मेरे से किसी गुरुजी ने भी मेरे से बात नहीं की और मैं 2-2.5 घंटे तक बैठा रहा वहाँ। क्या बोले आपको? मेरे को कहने लगे मैं आप जो मेरे से जो पीछे जो और लोग आए थे मेरे से पहले, उन्होंने वो फार्म भरवा दिया वो चले गए, मुझसे बोले नहीं। कुछ कहा होगा आपको? कुछ भी नहीं कहा? नहीं, फिर बहस मतलब कुछ नहीं कहा। अच्छा, और फिर मेरे को कॉलेज से निकाल दिया। और इसी सच्चाई को जानने के लिए आज हमारी टीम ने फैसला किया कि क्यों न पूरे छात्र सुरेंद्र के गांव बलोदा चला जाए और उनसे बातचीत की जाए कि आखिर उनके साथ दो दिन पहले क्या हुआ जब हलवान आईटीआई के दो अध्यापक उनके ऊपर यमदूत बनकर टूट पड़े। तो सुनिए हमारी स्पेशल बात किस तरीके से पूरे छात्र सुरेंद्र हलवान आईटीआई के पूरे स्टाफ पर सनसनीखेज आरोपों की जड़े लगा दी। 3-4 बच्चे आते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 7 आ जाते हैं, बस 10 आ जाते हैं। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कॉलेज के ही विद्यार्थी हमको ये बोले कि जब ये एडमिशन लेते हैं तो फीस कुछ बताते हैं और इनकी जो फीस है वो भी मतलब फिक्स नहीं है। किसी से कुछ ले लेते हैं और किसी को ये बोलते हैं कि हम स्कॉलरशिप दिला देंगे और फिर बाद में ये बोलते हैं कि स्कॉलरशिप हम नहीं देंगे। मतलब मनमानी कॉलेज की तरफ से ये कितना दिन से हो रही है इसमें? ये बहुत मतलब है, और बच्चे हैं जो करके चले गए आईटीआई 2 साल पहले, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये मनमानी चला रहे हैं। और ये सुनने में ये भी आया कि एक बार ये गुमराह करके उनसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले लेते हैं, उसके बाद में अगर वो बच्चे कुछ फीस फंस के अगर कोई पेपर देने की बात आती है तो ये इनको मार्कशीट नहीं देते हैं। तो मतलब ये उनकी तानाशाही है एक तरीके से। नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टीचर था आपके ऊपर जो पीट रहा था बेरहमी से, उसने शराब का सेवन कर रखा था क्या? मतलब ये हमारे पास रिपोर्ट पक्की नहीं है लेकिन ये हमारे पास रिपोर्ट आई है। जी, मेरी माता जी कह रही थी उसके मुँह से स्मेल आ रही थी। मतलब स्मेल किससे आ रही थी? कौन से, क्या नाम है टीचर का? टीचर का लीलाधर सर। लीलाधर कहाँ से है ये? ये सर बावटड़ी से है। आप ये बताओ, जो एडमिशन जो अभी चलेंगे, नए नए विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे, जी, तो आप उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस आईटीआई में मतलब एडमिशन नहीं करवाना, ये आईटीआई खराब। मतलब खराब किस तरीके से है? खराब ये मतलब बुला के ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं फिर बाद में देते नहीं। अच्छा, पढ़ाई का सतर कैसा है यहाँ? पढ़ाई कितनी होती है, कितने स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ यहाँ पर 4 टीचर हैं और पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, बच्चे भी कुछ खास नहीं आते यहाँ पे? बच्चे भी खास नहीं आते और इसकी जो एग्ज़ाम फीस है इसके मतलब डेट इसकी 10 तारीख थी और मैंने गुरुजी मेरे को बताया 8 तारीख को बताया। 10 तारीख की फीस थी और 8 तारीख को आपको बताया? ये कह रहे हैं नोटिस भी लगवाया था मैंने लेकिन हमको नोटिस की इसने बताया नहीं हमारे। अच्छा, ये फार्म के कितने रुपए मांग रहे हैं? ये फार्म के मांग रहे हैं 1800 रुपये मांग रहे हैं मुझसे। और एक्चुअल फीस कितनी है? एक्चुअल फीस इसकी 600 रुपये है। और वो आप देने के दे भी सकते हैं? वो आप देने के लिए तैयार भी हैं? जी जी बिल्कुल, इससे मतलब फालतू भी 1000 रुपये देने की तैयार। मतलब 1000 रुपये आपने देने की कोशिश की लेकिन वो उनका तानाशाही रवैया है, वो आपके खिलाफ है।
और ये कह रहे हैं कि आपका हम भविष्य बिगाड़ देंगे जी, बिल्कुल यही कह रहे हैं। ये सर लीला सर ने कहा? हाँ सर लीला सर ने कहा। और प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल जो मैसेज आया था योगेंद्र का, उस मैसेज के बारे में थोड़ा बताइए, मैसेज में क्या लिख रखा था उन्होंने? जी मैसेज में लिख रखा था कि इस मतलब इस बच्चे की गलती है और ये मतलब मैं होता तो इस बच्चे की गलती है और मैं यहाँ होता तो इसे मतलब ज़्यादा लफड़ा होता और मैं यहाँ हुआ कल यहाँ हुआ और इससे मतलब जो भी यहाँ जो भी बच्चा मतलब ये समझे कि अपने आप में जो गाड़ी मेरे उसको काट दे तो मैं वहाँ ही रहूँगा 4 बजे तक। मतलब जो प्रिंसिपल हैं आईटीआई के और जो बेरहमी टीचर हैं उन्हीं की पैरवी की उन्होंने, उनका भी तानाशाही रवैया है वो आपके खिलाफ ही रहा? जी मेरे खिलाफ ही रहा और उनकी तरफ ही बोलने लगे वो भी। अच्छा आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी सर, मेरे पिताजी तो चाय पानी की दुकान है महेंद्रगढ़ में। और आपकी माताजी से भी हम मिले थे, वो भी कह रहे थे कि हम खून पसीने की पढ़ाई से पढ़ाते हैं और वो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि वो आपकी हालत देख के वो बीमार भी चल रही है 2-3 दिन से, तो वो जी क्या कार्रवाई क्या करते हैं, क्या कार्रवाई सॉरी कार्य क्या करते हैं? जी कार्य नरेगा में काम करते हैं सर, हमारे मतलब पढ़ाते हैं, पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं, मेहनत करके लाते हैं पैसे और हमारे को पढ़ाते हैं। अच्छा इसके अलावा कोई गांव को गांव के लोग नहीं आए समझाने के लिए इनको? जी आए थे, पापा आए थे और मतलब मेरा चाचा आया था मतलब घर में लगता है उसने भी आया था और उसके साथ भी ये ऐसे ही करने लगे, बदसलूकी करने लगे और कहने लगे चुप ऐसे कहने लगे। तो आप ये बताइए जो आपके साथ बेरहमी से पीटा, तो आप कॉलेज के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं खास करके टीचरों के खिलाफ? टीचरों के खिलाफ मैं इसको सबक इनको सबक मिलना चाहिए कि मतलब किसी भी बच्चे को मतलब फीस ज़्यादा नहीं ले और इनके खिलाफ मतलब कार्रवाई हो। इसको लेकर आप किसी शिक्षा अधिकारी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके जो कारनामे है वो उजागर हो सके, आप ऐसा विचार कर रहे हैं मन में? जी कर रहे हैं बिल्कुल, प्रशासन और मतलब इससे बोर्ड से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नकेल कसनी चाहिए ताकि मतलब और किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। और कहाँ से आप? मैं सर बड़ौदा से हूँ, मेरे गाँव बड़ौदा, मेरा तहसील डिस्ट्रिक्ट मेरा। ठीक है सर।